नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घबराहट के बारे में, यानी कि नर्वसनेस के बारे में। दोस्तों, घबराहट का अर्थ होता है किसी बात के होने या होने की संभावना को लेकर डरा हुआ और परेशान महसूस करना। एक घबराया हुआ व्यक्ति तनाव में रहता है और आसानी से चिंतित हो जाता है। कुछ लोगों को घबराहट इतनी हो जाती है कि वह ठीक तरह से सोचने, समझने और काम करने की हालत में नहीं रहते हैं, जबकि उस परिस्थिति में समझदारी और सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता होती है। हम सभी लोगों को कभी न कभी घबराहट होती है, लेकिन कुछ लोग हमेशा ही घबराए हुए रहते हैं और इस स्थिति में व्यक्ति आराम नहीं कर पाता है और उसका दिल सामान्य से तेज गति से धड़कता है और इससे आपके काम, रिश्तों और नींद पर प्रभाव पड़ता है। घबराहट बिना किसी वजह से भी हो सकती है या किसी स्पष्ट कारण से भी हो सकती है। घबराहट के साथ कई अन्य शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं और अधिकतर यह लक्षण हार्ट, फेफड़ों, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और पेट और आंतों से संबंधित होते हैं। घबराहट में व्यक्ति को पेट खराब, दस्त, सांस लेने में दिक्कत, बेहोश होना और दिल का दौरा पड़ने की भावना वगैरह जैसे लक्षण हो सकते हैं। घबराहट के इलाज के लिए श्वास अभ्यास यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ध्यान लगाने का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों, हम ये बात करेंगे कि घबराहट होने के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, घबराहट में हर व्यक्ति अलग प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रिया करता है और इसके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो उसमें है पेट खराब और जी मिचलाना यानी कि मतली होना, दिल की धड़कन तेज होना, मुंह की बदबू और झटके लगना, ऐठन या फिर कांपना, मुंह सूखना, हाथों में पसीना आना, सांस फूलना, अचानक ठंड या गर्मी लगना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना, मांसपेशियों में तनाव महसूस होना, बेचैन या फिर परेशान महसूस करना या फिर चक्कर आना। दोस्तों, बात की जाए कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए, तो अपने डॉक्टर के पास जाएं अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अधिक चिंता कर रहे हैं जो कि आपके काम, रिश्तों और जीवन के अन्य हिस्सों में प्रभाव डाल रहा है, या फिर अगर आपके डर और चिंता से आप उदास हो रहे हैं और इन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहे, अगर आप डिप्रेशन महसूस करते हैं, आपको शराब और ड्रग्स लेने की समस्या है या आपको घबराहट के साथ साथ अन्य मानसिक समस्याएं भी हैं, अगर आपको यह लगता है कि आपकी घबराहट किसी शारीरिक स्वास्थ्य समस्या से संबंधित हो सकती है या अगर आपको खुदकुशी संबंधित विचार आते हैं, तो इस मामले में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि घबराहट जो है ये क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, घबराहट किसी तनावपूर्ण, अज्ञात या डराने वाली स्थिति में होने वाली एक सामान्य प्रतिक्रिया है। उदाहरण के लिए, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने से पहले घबराहट महसूस करना आम बात होती है। आमतौर पर चिंता के कारण घबराहट होती है और एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा चिंता के अधिक हार्मोन बनाए जाने पर शारीरिक प्रतिक्रियाएँ होती है। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें कि घबराहट हो सकती है, जैसे कि जनता के सामने बोलने या फिर प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस करने में, अनजान व्यक्तियों से मिलने में, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने में, पहली बार कुछ नया करने में जैसे कि पहली बार जिम या फिर किसी क्लास जाने में, ऐसी मीटिंग में जाने में जहां आपको लगता है कि आप पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कुछ लोगों को घबराहट होने का जोखिम अधिक होता है या उन्हें कुछ समस्याओं के कारण अधिक घबराहट होती है, जैसे कि परीक्षा के समय घबराहट होना, चिंता विकार होना, ADHD यानी कि ध्यान अभाव और अति सक्रियता विकार होना, थायराइड बढ़ना, कैफीन और अन्य उत्तेजक तंत्रिकाओं में तनाव बढ़ाते हैं, साथ ही साथ डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली कई दवाएं और अवैध ड्रग्स भी तंत्रिकाओं में तनाव को बढ़ाते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि घबराहट से बचने के क्या उपाय होते हैं। तो दोस्तों, घबराहट से बचने के लिए आप कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि घबराहट महसूस होने पर धीरे धीरे सांस लेने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आपको शांति और घबराहट में कमी महसूस होगी। अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि थेरेपी से सोच को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिलती है। अपना ध्यान भटकाएं, क्योंकि इससे नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान भटकाने के लिए आप टीवी देख सकते हैं, कुछ खेल सकते हैं, खाना बना सकते हैं या फिर सफाई भी कर सकते हैं। आराम देने वाले काम करें जैसे कि किताब पढ़ना, नहाना या फिर खुशबू वाली मोमबत्तियाँ जलाना। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, एक नियम बनाए रखें ताकि आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। व्यायाम इसके लिए एक अच्छा विकल्प होता है। सिगरेट पीना छोड़ें और कैफीन का सेवन कम करें, क्योंकि निकोटीन और कैफीन दोनों से ही घबराहट के लक्षण बढ़ सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने और आराम देने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करें। योग करने और ध्यान लगाने से आपको आराम मिल सकता है।
पर्याप्त तो नींद लें और अगर आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाएं। स्वस्थ भोजन का सेवन करें। सब्जियां, फल, साबुत अनाज और मछली खाने से चिंता जो है वो कम होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि घबराहट का परीक्षण या निदान कैसे होता है। तो दोस्तों घबराहट के परीक्षण के लिए डॉक्टर आपको पहले हुई बीमारियों और समस्याओं के बारे में पूछेंगे, आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक कुछ अन्य टेस्ट करेंगे। यह पता लगाना महत्वपूर्ण होता है कि घबराहट का कारण शारीरिक है या फिर मानसिक है। अगर आपको कोई और चिकित्सा समस्या है जिसके बारे में आप जानते हैं तो आपके पुराने और नए लक्षण आपस में मिल सकते हैं। केवल यह पता लगाने से कि आपकी घबराहट मानसिक है इसकी वजह का पता नहीं चलता है। इसके कारण का पता लगाने के लिए एक मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि घबराहट का जो इलाज है वो क्या होता है या कैसे होता है। तो दोस्तों घबराहट को ठीक करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि अपने विकार के बारे में जानें, अपने डॉक्टर से बात करें, अपनी समस्या की वजह जानें और अपने लिए सबसे अच्छे उपचार का पता करें। अपने परिवार और दोस्तों से बात करें और उनका समर्थन लें। दूसरा है कि ट्रीटमेंट ठीक से करवाएं। बताए गए तरीके से अपनी दवाएं लें, थेरेपी लें और डॉक्टर द्वारा बताए गए कार्य को पूरा करें। बिना चूके यह सब करने से आपकी हालत में काफ़ी सुधार आ सकता है, खासकर समय पर दवाएं लेने से। तीसरा है कि समय का सही इस्तेमाल करें। अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल और प्रबंधन करने से आप अपनी चिंता की समस्या को कम कर सकते हैं, जिससे कि घबराहट कम होती है। साथ ही साथ लोगों से मिले जुलें। अपनी घबराहट की समस्या की वजह से अपने प्रिय लोगों या कार्यों से दूर न हो, ऐसा करने से चिंता के कारण होने वाली घबराहट बढ़ सकती है। साथ ही साथ अपने विचारों को लिखें। आपका दिमाग उन चीज़ों पर अधिक केंद्रित रहता है जो उससे लगता है कि महत्वपूर्ण है, और इसीलिए दिमाग आपके विचारों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देता है। और अपने विचारों को एक कागज़ या फिर डायरी में लिखने से वह आपके दिमाग से निकलेंगे और आपका ध्यान उन पर नहीं जाएगा। व्यायाम की बात करें तो शारीरिक तनाव चिंता का एक लक्षण है जो घबराहट की समस्या से ग्रस्त लोगों को प्रभावित करता है। आप इस समस्या से बचने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें, जो कि घबराहट का सामना करने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ अपना ध्यान भटकाने की बात करें तो आप अपने दिमाग को कुछ सोचने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप कहीं और अपना ध्यान केंद्रित करने से नकारात्मक विचारों को सोचना कठिन बना सकते हैं, और ऐसा करने से नकारात्मक विचारों के कारण होने वाली घबराहट कम हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आरामदायक व्यायाम करें। कुछ आराम देने वाले व्यायाम करने से घबराहट की समस्या कम हो सकती है, जैसे कि ध्यान लगाना, गहरी सांस लेना, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का इस्तेमाल करें। और इस तकनीक में मांसपेशियों को आराम से खींचा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि घबराहट कम होती है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें प्रत्यक्षकरण की, यानी कि विजुअलाइजेशन, यानी कि ऐसी तकनीक जिससे कि आपकी कल्पना का प्रयोग करके चिंता और घबराहट को कम किया जाता है। और साथ ही साथ योग अभ्यास करें। और साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए कि किसी से बातें करने की, तो थेरेपी जो है वो चिंता और घबराहट दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि ये नकारात्मक विचारों को खत्म कर देता है। लेकिन जो लोग थेरेपी नहीं ले सकते हैं वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो कि आपकी परवाह करते हैं। इनमें से कोई भी उपचार आपके नकारात्मक विचारों को हमेशा के लिए ठीक नहीं करता है, लेकिन इनसे यह सुनिश्चित होता है कि आप इनसे पहले की तरह प्रभावित न हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।